अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमारे नए दिन की शुरुआत हो रही है नारा नाग से। अभी टाइम हुआ है 5:10 और अभी हम नारा नाग में हैं। ये रहा कुछ मॉर्निंग का व्यू नारा नाग का। यहाँ पे आज बहुत सारों ने कैंपिंग कराया है, तो हमारे आसपास भी बहुत सारे टेंट है यहाँ पे। ये रहा हमारा टेंट। अभी हमें तैयारी करनी है जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल के हमें गंगबल के लिए निकलना है, क्योंकि रास्ते में फिर धूप होगी बहुत ज़्यादा, तो उससे परेशानी होगी थोड़ी सी। तो उस वजह से जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी घोड़ा वाला भी आ रहा होगा, तो उसका भी इंतज़ार करते हैं। तब तक हम चाय वाय बना के मस्त सब तैयारी करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे गंगबल ट्रैक के लिए निकल जाएंगे। दानिश अभी भी सो रहा है। यहाँ से हमें ट्रैक स्टार्ट करना है और दानिश पता नहीं सुबह से भागे जा रहा है, इतना क्या है क्या सुबह आना से भाई चढ़ेगा करीब बिस्मिल्लाह था स्नैप खा लो ना सब पागल दोहरा अच्छी गसन स्नैप चलाओ सिट्रिक भाई सिट्रिक नहीं टूटनी चाहिए। कुता मैं बिल्कुल ठीक कोड बेटा मन छ लगभग लगभग ऐसे यूं ता क्रॉस कर एमनिशन सगन पाकन अद बात हो इस थोड़ा प्लान मदानस में से बात बार बार बात शाम टाइम बात है ना। ये यहां से रोड है जो गंगबल के ले जाता है। ये इंसान को ख़त्म नहीं थी आइडिया वाइट एमएस सोचते हैं सर सही नियर के तेल वाट यस वेटर तेल इस नियर हो ये पैट ये दानिश को बताएगा अभी यहाँ से कितना दूर है बुधशहरी जिसको बोलते हैं। दानिशा यहाँ वहीं कोता दूर कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है अभी? अभी 3 घंटे लगेंगे यहाँ से बुधशहरी से। अभी तो ये शुरुआत हुई, ये तो अभी शुरुआत हुई है। और दानिश अभी चलो धीरे धीरे तेज तेज भाग रहा है। कैसे तेरी खुदगर्जी ना घूमने ना छाओ कैसे तेरी खुदगर्जी कैसे ठोर टिके ना पाओ कैसे तेरी खुदगर्जी ना
दानिश आगे आगे और समीर और दानिश के लिए बकरा जो है रास्ते के बीच में छोटे छोटे पत्थर आते हैं, इनकी वजह से थोड़ा मुश्किल होता है चढ़ना यहाँ से। आज रास्ता जो है वो हमने ख़त्म किया है, अब जितना लगभग किया हमने ख़त्म उतना ही रह गया फिर से, फिर उसके बाद अच्छा रोड मिलेगा, थोड़ा सा रास्ता ठीक ठाक है, उसके बाद देखते हैं आगे अब क्या होगा। और चाचा भी कंटिन्यू हमारे साथ ही है। चाचा इस रास्ते के बारे में कुछ बोलो, आगे क्या है? आगे यहाँ पर अभी थोड़ा चढ़ाई चढ़ना है, चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर पूरा आगे प्लेन जाना है, तो प्लेन जाने के बाद फिर जब आप तड़खाल पहुँचेंगे, जिसको तड़खाल पहुँचते हैं वहाँ पर ये जंगल वगैरह पूरा ख़त्म हो जाएगा, उधर से आगे आपको पूरा प्लेन जाना है, उसको बोलते गंगापाल लेक के पास पूरा प्लेन है वहाँ पर, यहाँ पर ये लकड़ी वकड़ी ये पत्थर वत्थर वगैरह कुछ भी। आज वहाँ पर बहुत टूरिस्ट है। कितने कल दिन में कितने गए वहाँ पे? कल पर कल दिन में कम से कम 30-40 ग्रुप यहाँ से चढ़ी है। 30-40 ग्रुप यहाँ से चढ़ी, तो वहाँ पे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे आपको रास्ते में मिलेंगे भी, और वहाँ पर भी मिलेंगे आपको, फिर मुलाकात हो जाएगी। थे ना ये आपस गांव के? हाँ, उधर नीचे थे। हाँ, चाचा से बात की हमने, बोल रहे अभी थोड़ा सा रहेगा ऐसा ही रास्ता, उसके बाद प्लेन रास्ता है, तो यह भी ख़त्म करेंगे थोड़ी देर में, अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद आगे निकलेंगे। अब हाफ हो गया। यहाँ से रास्ता बहुत खतरनाक है, छोटे छोटे पत्थर हैं, इन पे चलना मुश्किल हो रहा है, और दानिश कंटिन्यू आगे। यहाँ का व्यू चेक करें, फाइनली बुद्ध शहर के टॉप पे पहुंचने वाले हैं, और यहाँ का व्यू आप चेक करें कितना खूबसूरत है। अभी थोड़ा और चलना है, जो रास्ता थोड़ा मुश्किल है उसके बाद तो रास्ता ठीक ही मिलेगा, बस यही से थोड़ा सा रह गया, अब थोड़ा सा रास्ता और है सही। अब इतना सफ़र तो कंप्लीट किया, अब वो भी करेंगे, फिर आगे कहीं पे रुक के चाय बनाएंगे और चाय का मज़ा लेंगे पहाड़ों में। सामान सारा मेरे बैग में। और ये व्यू आप फिर से चेक करें यहाँ से कितना खूबसूरत है। ये देख लीजिए गाइस, आप हमारा ये जहाँ से हम चल रहे हैं इसका व्यू आप देख सकते हैं कितना बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए जाहिद, जाहिद की क्या हालत हो गई है, और समीर बहुत बुरी है। अब समीर तो चल रहा है आगे आगे, और हमारे साथ चाचा भी है जो इस बकरे को चला रहे हैं। हाँ, इसको भी हमारे साथ ही आना है और हमारे साथ ये ट्रैक करेंगे, और अब हम एट द एंड ऑफ जिसे हम बुच्चेरी कहते हैं उसके टॉप पे हम पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितनी खूबसूरत जगह और कितने अच्छे अच्छे मैदान आपको हम दिखाएंगे आगे जाके। और जो यहाँ पे पेड़ों का हाल हुआ है,
चाचा के कहने के मुताबिक 2002 में यहाँ पे आग लगी थी, जिस वजह से ये हाल हुआ है इन पेड़ों का। आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ जल गए हैं यहाँ पे, ऊपर तक है पूरा। और हम पहुँच गए हैं हापलिंक बोलते हैं इसे यहाँ पे, चाचा ने बोला इसका नाम यहाँ पे हापलिंक है। और यहाँ पे ढाबा है, चाय वाय मिलती है यहाँ पे, चाय ऑमलेट वगैरह। तो अभी हम करते हैं चाय तैयार, चाय पी के तब तक आएगा लियाकत भी जो हमारा सामान लेके आ रहा है, और चाय पी के यहाँ से निकल जाएंगे गंगबल के लिए। फिलहाल चाय बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार पीछे जा रहा है, एनर्जी सारी ख़त्म हो गई उसकी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। अभी दानिश को बोलते इस रास्ते को यहाँ से देखो क्या लगता है। آ یہ آ بہ بن وسا دمیل مرچ ہو کیا ونانا یہ سڑک یہ مدان ہوں یہ شل مرگ کیا ونانا شل مرگ کیا ونانا ہوکہ ہوگے مرچ ام پتھ گئے سالن کیا گئے سالن اس یہ پہاڑ چھ اپ گو وچن سر تھوڑا بہت زیادہ پانس اتھ کنو پیٹھ پکن پکان ژے سۭتۍ چلو شبس پک سا تیز क्या बोलते हैं इसे यहाँ पे है? यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं इसको? हाँ इसको बोलते हैं बुटी पांजल। बुटी पांजल पांजल बुटी पांजल पांजल। और जो ये पानी है ना, हाँ इसको बोलते हैं कबूतर वाला पानी। क्या बहुत ठंडा पानी है ये, बहुत ठंडा पानी है। हाँ कबूतर वाला पानी बोलते हैं इसे। क्या पानी? कबूतर वाला, कबूतर, हाँ कबूतर वाला पानी। और यहाँ से कबूतर वाला पानी बहुत ठंडा है, और दान जा रहा है पीने ठंडा पानी। फ्रीजर मज ये व्यू वो तो भी एक लेट ये यार आया करो घूमा करो यार। और ये रास्ता है, बस इसको पार करना है।
شاٹ کَٹ نہ چھُنہٕ نیُن برابر گژھِ یَپٲرۍ روڈ اَمیُک वहाँ से पानी आ रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सतसर गली। वहाँ से जहाँ से वो पानी आ रहा है पूरा क्लियर नहीं आ रहा होगा, फिर भी ट्राई करता हूँ दिखाने की। और ये हरमुख पहाड़ी ही यही है। पहुँचे हम अभी त्रंट खोल बोलते हैं इसको, इस जगह का नाम है, वो है हरमुख हमारा। और वहाँ से वो जो पहाड़ दिख रहा है इस पे ये बादल है, 5,500 फुट की हाइट पे, और ये हरमुख है वहाँ पे। और वहाँ आगे कैंप है, तो वहाँ पे हमें अपने एंट्री करवानी है और उन्हें वो परमिशन दिखानी है जो हमने कंगन पुलिस स्टेशन से लाई है। वो चेक करेंगे, उसके बाद ही हमें अलाउ करेंगे आगे जाने के लिए, उसके बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अभी चलते हैं कैंप के पास, देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा परमिशन दिखानी है उनको। और ये व्यू आप चेक करें यहाँ से, और वहाँ कैंप के पास कैमरा अलाउ नहीं करते हैं वो, और ना ड्रोन यहाँ पे किसी भी जगह, यहाँ ड्रोन भी अलाउ नहीं है। फिलहाल चलते हैं हम वहाँ पे, परमिशन उनको दिखाते हैं, फिर देखते हैं उसके आगे क्या होता है। फाइनली हमने परमिशन जो है वो चेक करवाई, अब हम निकले आर्मी कैंप से आगे। और यहाँ पे शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ है, और यहाँ का व्यू जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं रेस्ट कर रहे हैं जब तक घोड़े वाला भी आएगा। और ये हमें सारा मेडिसिन जो है साथ रखा है, सर में बहुत दर्द होने लगा, ठंड क्या, अब दवाई खाएंगे फिलहाल, देखते हैं। यहाँ से अभी लगेगा लगभग 1.5 घंटा लगेगा, अभी भी पहुँचाएंगे हम। वन क्या सुबह ना तुम्हें शुक्र अलहमदिल्ला वन लगे घंटा वो पे डेस्टिनेशन पे युत गो अस्त परमिशन वर्मिशन गए चा वो दुप थोड़ा करो रेस्ट ईस कल यह गुर वल ती स یُس تُہۍ یہِ پَتہٕ کَنۍ وٕچھان چھُو یہِ چھِ آرمی کیمپ، تہٕ اَتہِ چھِ پیٚوان پٔرمِشن گۄڈٕ چیک کَرناوٕنۍ، اینٹری پیٚوان کَرٕنۍ۔ वत्तुद जिगर वत्तुद गुराव क्या ची ऐ बसान ये टाइम आराम कर गुर वोल च लापता बराबर गोस ये डोड घंट बिहत गुर वोल کاہ بجے چھِ أسۍ وٲتمٕتۍ اوٚتنَس، 10:30 مۄکلو اَسہِ پٔرمِشن ہُنٛد ٹٮ۪نشَن، مطلب پٔرمِشن ؤرمِشن کوٚر وٕنکٮ۪نَس بَجے 2 بَجے وٕنکٮ۪نَس 10 مِنٹہٕ پیٚٹھۍ 2،
تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ یہِ گُرۍ وول سون نوٚن کِہینۍ. اَسہِ ییٚتہِ اِنتِظام چھُ سُہ سورُے تٔتھۍ منٛز. اَسہِ کیاہ چھُ وۄنۍ کَرُن؟ اَسہِ چھُ آب چھُ وۄنۍ فِلحال. کوٚر اَسہِ وۄنۍ پٕلان, أسۍ واتو گۄڈنیٚتھ تھوٚو تَتھ, أسۍ وٕچھو پَتہٕ کیاہ حِساب کِتاب روزِ. फाइनली हम पहुंच गए नंदकौल लेक पे. ये जो लेक है इसका नाम नंदकौल लेक है. और ये हरमुख यहाँ से और फाइनली हमने अपना कैंप यहाँ पे सेट कर दिया है. अभी यहाँ पे बारिश हुई थोड़ी सी, उस टाइम हमने टेंट भी नहीं लगाया था. और जो घोड़ा वाला है वो अभी आया. ये देखिए यहाँ से आप व्यू जहाँ पे हमने टेंट लगाया अभी.